गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तरेला। और व्यूज देखो मेरे पीछे। तरेला जो ये जगह है लगभग भैरागढ़ से 5-6 किलोमीटर पहले है और सचपा से 30 किलोमीटर पहले। रात को हम भैरागढ़ तो पहुंच नहीं पाए लेकिन तरेला तक पहुंच गए। कल सुबह दिल्ली से हम निकले थे 4 बजे और यहाँ पहुँचे भाई हम लगभग 8 बजे। ठीक है, तो लगभग 16-17 घंटे की राइड के बाद हम यहाँ पहुँचे, जिसमें हमने 750 किलोमीटर कवर किया। अब उन 750 किलोमीटर में जब तक हाईवे चलता रहा तब तक तो भाई बहुत बढ़िया हिसाब किताब था, लेकिन जैसे ही हमने डलहौजी क्रॉस करा, डलहौजी क्या बोलते हैं उसको, जैसे ही हमने बनीखेत क्रॉस किया उसके बाद भाई रोड की कंडीशन इतनी गंदी हो गई, मतलब सच पास में जैसी रोड है ना, सेम पीछे वैसी रोड छोड़ के आ रहे हम। ये हमारा होटल है, होटल सच पास, और इसका जो रेंट था वो था 1200 रुपये, मतलब 400 रुपये पर बंदा। और वो हमारी बाइक है सामने नीचे रोड पे ही खड़ी कर दी। रात को भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो डर भी लग रहा था कि यार कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए। देख रहे हो तुम यहीं कच्चे पत्थर से सब कुछ, मतलब देख के अजीब सा फील हो रहा था। बारिश भाई इतनी गजब की बारिश थी, मतलब मौसम देख के मज़ा भी आ रहा था और फट भी रही थी। तो भाई आज का हमारा जो प्लान है वो है सचपास जाने का। रियल नेम वैसे सचपास ही है, लोग सचपास बोलते हैं, बट सचपास असली नाम है, हमें लोकल लोगों ने यहाँ के बताया। और सचपास जो है वो है यहाँ से 30 किलोमीटर, और जिसको हमें क्रॉस करने में लगेंगे लगभग 5 से 6 घंटे, क्योंकि रोड आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद हमने जाना है किल्लार है सचपास से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। अब 30 किलोमीटर वो भी रोड बहुत ज़्यादा गंदी है, वो सारा डाउन हिल है, सारा अप हिल है। लेकिन हमने जो प्लान किया है ना, हमने प्लान किया कि यार हमें जाना है यहाँ से गुलाबगढ़ पड़ता है तुम्हारा किश्तवाड़ वाले रूट पे। तो हम सोच रहे हैं कि यार आज में सचपास भी कर लें और क्लिफ हैंगर करते हुए गुलाबगढ़ रुक जाएँ। और गुलाबगढ़ है यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर। अब 160 किलोमीटर भाई देखते हैं यहाँ से कब तक पहुँचते हैं। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 7। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। बाइक है हमारी बिल्कुल प्रॉपर ओके रिपोर्ट है, फ्यूल हमने ले लिया था एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। और भाई जावा की दाद देनी पड़ेगी कि भाई प्रॉपर अपना बाइक जो है निंजा और R3 के साथ चलिए हाईवे पे भी और हिल पे भी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई। ड्रोन उड़ाने का प्लान है हमारा। और भाई हवा देख रहे हो आप कितनी तेज़ है, देखते हैं अगर ड्रोन उड़ पाता है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यार, थोड़ी हवा कम हो तो ड्रोन फ्लाई करे। सो गाइस निकलने की तैयारी हो गई, यहाँ से चलते हैं यार यहाँ से। अब और लेट हो गए भाई बहुत ज़्यादा, हम पहुँच जाएंगे ऊपर वाले ने चाहा तो। टारगेट हमारा गुलाबगढ़ का है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो या अल्लाह मदद करना। ज़िंदगी का सबसे टफ रूट पकड़ा है, और बाइक में सामान भी बहुत है भाई, बहुत सामान है। अरे झूला सा क्यों झूल रही है बाइक, कुछ लूज़ हो गया क्या? ये देखो ऊंचाई बहुत है भाई, एलिवेशन ही एलिवेशन है, लेकिन मज़ा आ रहा है पूरा। चौथे गियर में भी R3 पुल कर रही है बढ़िया तरीके से इतनी एलिवेशन पे भी, वरना बाइकें दूसरे या तीसरे गियर में चढ़ती हैं और अपनी चौथे में भी चढ़ती चली जा रही है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है यार इसके अंदर। सतरुंडी 24 किलोमीटर टारगेट है सतरुंडी का, और सतरुंडी से 4 किलोमीटर है सचपास, यानी 30 किलोमीटर टोटल। उसके बाद देखते हैं गुलाबगढ़ जाते हैं या किल्लाड़ जाते हैं। 5वें गियर में भी चल रही है, वाओ वेरी गुड थैंक यू यामाहा। उधर छाँव थी इधर धूप है, ओए होए क्या घाटी आई है यार, ये क्या वेली है ज़बरदस्त। थंबनेल के लिए फ़ोटो निकालेंगे यहाँ पर आगे। अगली चोटी देखना भाई कितनी ऊँची चोटी है यार, एकदम खड़ी, पता नहीं गोबरों में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। ओ सामने, ओ बिल्कुल टक्कर पे, यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग होती होगी। मैंने पीछे लगवाया था MRF का टायर, और MRF का टायर मैंने ये सोच के लगवाया था कि यार ऐसी रोडों के लिए MRF ही सही रहता है, और वाकई मेरी सोच सही थी, मतलब सही काम कर रहा है MRF यहाँ पर। और अपोलो भी बढ़िया टायर है, अपोलो भी यहाँ मस्त चलता, लेकिन दिक्कत ये थी कि अपोलो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, मतलब प्रोफाइल है, वो कम है यार। पीछे एक चेक पोस्ट था सतरुंडी के नाम से, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स बंदों ने चेक करे बाइक के, RTPCR तो किसी ने भी चेक नहीं करी। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि संसारी चेक पोस्ट पड़ता है आगे, वहाँ पर चेक होगा, बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं है। पहले आगे लगा रखा था इन्होंने ये चेक पोस्ट, मतलब मौसम की वजह से इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पीछे ले आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, इस चक्कर में ये सब पीछे लिया है। आ गए हमारे राइडर, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे से रोड भयंकर भयंकर हो जाएगी, भयंकर। अरे भाई एलिवेशन कितना ज़्यादा है यहाँ पर,
15 मिनट हो गए हमें चलते हुए, और भाई चढ़ाई 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 चढ़ाई, अरे भाई साहब गोप्रो में दिखाई नहीं देगा भाई कि कितनी चढ़ाई है। गियर डाउन करो, एक हर मोड़ पे कम से कम 20 से 25 फीट ऊपर हो जाते हैं हम। ओ भाई साहब मजा आ रहा है जबरदस्त चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि गोप्रो ऑन करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। रोड बिल्कुल खराब हो गई भाई, खत्म हो चुकी है रोड, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, गोप्रो कैसे बंद करूं इतनी ठंड में पंखा चल गया। किस्मत खराब है भाई आज तो, सूखी रोड मिल ही नहीं रही यार, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, बारिश पड़ गई कल रात को यहाँ पर भाई, कीचड़ 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 कीचड़, सारी गीली रोड मिल रही है, ऊपर से बैग में सामान ज्यादा है, बहुत गंदी हालत है भाई, यहाँ पर रास्ते सही नहीं है और बारिश की वजह से और ज़्यादा मामला ख़राब हो गया। कल रात को ही बारिश हो गई, वैसे तो हम वेदर फोरकास्ट देख के आए थे, बट क्या करें भाई, जो किस्मत में है वो तो करना पड़ेगा। पूरा रोड पर स्लश है भाई, आगे अभी क्रॉस करके आया हूँ, गोप्रो ऑन नहीं गया, वहाँ पे भी स्लश था और यहाँ से भी पूरा स्लश है भाई, ये बारिश की वजह से मामला ख़राब हो गया। अब जहाँ धूप निकल गई वहाँ तो भाई रोड थोड़ी बहुत सूख गई, और जहाँ नहीं निकली वहाँ पर तो मामला बहुत ख़राब है। असली रिस्क बरसात में ही है भाई, ये देखो यहाँ बहुत संभाल के चलानी पड़ेगी MRF टायर के साथ। वाटरफॉल तो इतने मिलेंगे यहाँ पर भाई, अनलिमिटेड वाटरफॉल है, छोटे छोटे वाटरफॉल थे वो मैंने शूट किए नहीं थे, अब ये बड़ा वाटरफॉल आया है, ये कम से कम 7वां या 8वां वाटरफॉल होगा। चलो तरुण भाई अपना वाटरफॉल देख रहे थे, देखो एक पीछे छोटा, एक पूरा एक पूरा एक पूरा, कितने वाटरफॉल हैं इस टाइम। हाँ वो तो ये पानी जो है ना नीचे से निकाल दिया है, अगर ये रोड पे से होता ना भाई साहब ऐसी तैसी हो जाती बंदों की, मतलब धीरे धीरे एडवेंचर ख़त्म होता जा रहा है। अभी हमें ये ऐसा मिल रहा है, पहले जो वाटरफॉल था वो रोड पे से ही सारा पानी रोड पे से होके जाता था, अब नीचे से इनको लपेट दिया तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर ये रोड के ऊपर से आ रहा होता तो भाई साहब कमा लेता है राइडरों को, और कमा लेता होगा, दो दो तीन तीन वाटरफॉल एक साथ है। बरसात की वजह से ये भर भर के चल रहे हैं भाई, अगर बरसात नहीं होती ना, कल बारिश नहीं हुई थी तो ये कम होते हैं, अब ये बारिश भाई बहुत ज़्यादा हुई है। कल रात को जब हम आए थे मैंने दिखाया था आपको एक, नहीं नहीं आपको नहीं दिखाया, ये देखो इंस्टाग्राम पे रील डाली थी मैंने एक बारिश की, उसमें था। इस सोचो अगर ये पानी रोड पे से निकलता होगा तो क्या हाल होता होगा बंदों का, है सोचो, अभी तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत आसान हो गया, और जो रोड से निकलता होगा तो भाई बंदों का क्या हाल होता होगा, चढ़ा दे चढ़ जा भाई चढ़ जा, फंसना नहीं। ओए ओए भाई लो एंड टॉर्क का फ़ायदा मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त, क्या यार क्या बाइक है यार, झरने की तारीफ करूँ या बाइक की तारीफ करूँ, क्या हुआ? अच्छा अब सही चल रही है, चलो यार तरुण भाई की जो बाइक है ना वो पिकअप लेने में थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, मतलब हाई अल्टीट्यूड की वजह से, पानी में से, अरे निकाल दो पानी में से यार, अब तो पानी में से ही निकलेंगे, अब हमें पता है ना खिंच जाएगी बाइक। पानी भाई हमें क्या है, बर्फ है पानी है ऐसा लग रहा है बर्फ पिघल के आ रहा हो भाई चुम्बेश्वरी भाई गए लेकिन बाइक है ना पूरी खड़क गई भाई, क्या नज़ारा है यार, ये ऐसे पहाड़ मैंने कहीं देखे, हाँ यार सेम ऐसे पहाड़ रोहतांग में, घाटी के दर्शन कर लो भाई, यहाँ से पूरी चंबा घाटी दिखाई दे रही है दूर दूर तक, बहुत एल्टीट्यूड पे आ गए हम, 13,000 फीट के आसपास तो आ गए होंगे कम से कम, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सांस फूल ली है, बोला भी नहीं जा रहा अब, वाटर एंड स्लश बस यही है, या फिर पत्थर आ जाएंगे। मैंने तो भाई अपनी बाइक के थ्रॉटल को ना एक पोजीशन पर लॉक कर रखा है,
और ऐसा लग रहा है स्कूटी चल रही है, पहले गियर में बाइक डाल रखी है और बस धीरे 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 आराम आराम से चढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर। पानी पीना है, सांस फूल ली है यार, सांस फूलनी शुरू हो गई, इसका मतलब अच्छी खासी ऊंचाई हमने गेन कर ली है। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, बंदे को ना यहीं से आना चाहिए चंबा की तरफ से, सचपात की तरफ से, अगर किलाड़ के सवाल करना है तो। मुझे लगता है कि भाई जो किश्तवाड़ वाला जो रूट है ना, उसके सिर्फ हेयर पिन बैंड ही डिफ़िकल्ट है, बाकी तो कुछ कैसा खास नहीं है, सीधा सीधा रोड है। और ये जो सचपात वाली रोड है, ये भाई सारा एलिवेशन है, सारी चढ़ाई है और रोड भी पत्थर की है। तो मेरा मानना ये है कि बंदे को यहाँ से आना चाहिए, ये डिफ़िकल्ट रूट है। और एक बार आपने डिफ़िकल्ट कर लिया तो इजी आप आराम से कर लोगे, मतलब नॉर्मल इजी तो नहीं है, वो भी इजी नहीं कह सकते उसे, मतलब कि नॉर्मल भी आराम से कर लोगे। यार बादल आ रहे हैं भाई भयंकर वाले, ये भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा भाई हमारा, के बारिश के मौसम में हमने सचपास किया। बहुत तेज़ बारिश थी भाई, बहुत तेज़ बारिश थी, और पीछे इतनी कीचड़ थी कि कैमरा ऑन करने का हमें टाइम भी नहीं मिल पाया। कैमरा ऑन करते तो हम सीधे फ्लैट हो जाते, चौपट हो जाते नीचे ही। हो सकता है पवार भाई ने कैमरा ऑन कर रखा हो पहले से, तो उनकी अगर फुटेज में आया होगा तो वो डालूंगा मैं अपनी वीडियोस में, क्योंकि मेरे को तो मौका मिल नहीं पाया कैमरा ऑन करने का। बाकी भाई बाइक के अंदर अभी भी 3 बार हैं टेम्परेचर के, चौथा बार तो अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब इंजन ठीक है, गर्म नहीं हो रहा। सामने देखो यार क्या नज़ारा है यार, यहाँ से ड्रोन उड़ाया जाए क्या? देख चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। अरे भाई साहब, पता नहीं गोप्रो में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन भाई आंखों से देखने में असलियत दिखाई देगी। ओ भाई साहब आगे और भी ज़्यादा है, फर्स्ट में डालो पहले गाड़ी और थ्रॉटल लिमिट रखो कम। वाह जी वाह, गजब है जी, गजब है, गजब है। हाँ भाई साहब वाटर क्रॉसिंग पानी के अंदर से जाओ, चांगला पास की याद आगे से देख के, चांगला पास भी ऐसी है। 2012 में किया था मैंने R15 से, ओहो भाई क्या दिन थे वो, R15 से चांगला पास, सोच के भी लगता है कि यार इतना इतना झुक के कैसे चला ली थी बाइक। उस टाइम भी यामाहा थी, आज भी यामाहा है भाई। यहाँ से निकालेंगे, एक मिनट रुको, टोटल रिस्पॉन्स कम आ रहा है अब, और जबान पे शब्दों की पकड़ भी कम आ रही है। रोड थोड़ी नैरो आ गई है अब पहले के मुकाबले, पहले काफ़ी चौड़ी रोड थी, अभी काफ़ी नैरो हो गई रोड, हो सकता है आगे और ज़्यादा हो जाए। यहाँ बर्फ़ जो है वो मेल्ट होके आ रही है। ओवरटेक दो भैया जी, कितना हो रहा है, पहुँच गए ठीक है, पीछे दिक्कत हो रही है जाओ में। अरे भैया ये तो ओवरटेक करनी नहीं देगा, चलो नहीं करते यार ओवरटेक, लेकिन डीजल की बदबू आ रही है बहुत बुरी यार। यहाँ ग्लेशियर मेल्ट हो रही है गाइस, चढ़ाई देखना यार। ओ भाई साहब चढ़ जाएगा ये, ओ तो ओ भाई सही है भाई, एडवेंचर हो रहा पूरा पूरा। बस यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है, खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। अबे भाई कहाँ निकाल दिया 0 पॉइंट पे, चलो ठीक है आप निकलो, हम तो निकल ही जाएंगे भाई रोते पीटते। एक बाइक निकलने की जगह अगर हमें कोई दे दे, वो बड़ी सारी जेसीबी हैं यार यहाँ पर, क्या हो रहा है ऐसा। लेकिन भाई ये वाला जो कट था ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट था,
मतलब डिफिकल्ट नहीं, खतरनाक था। थोड़े से मेरे भी रोंगटे जैसे खड़े हो गए थे। ये वाला कट डिफिकल्ट था भाई, अगर राइट हैंड साइड से निकालना पड़ता निकल तो जाती, लेकिन वही है ना यार, जान का जोखिम कौन उठाए। लेकिन ये जो बंदे थे ना ड्राइवर जेसीबी वाले, समझदार थे। लो फाइनली भाई सच पास पहुंच गए हम। सांस काफ़ी फूल रही है भाई, ऐसी तैसी हो गई, लेकिन भाई फाइनली वी डिड इट। तो गाइस पहुंच गए हम सच पास, लगभग हमें सतरुंडी से 3 घंटे के आसपास लगे हैं। गाइस टफ तो है सच पास भाई, जैसा कि सारे बंदे बोलते हैं ना कि सच पास सारे पासों का बाप है, वाकई सही बोलते हैं यार वो। मतलब मेरे हिसाब से अब मुझे नहीं लगता कि आगे किश्तवाड़ वाला रूट इतना डिफिकल्ट होगा कि हम ना कर पाए। बाकी ये तो भाई है डिफिकल्ट, मानना पड़ेगा, लेकिन भाई इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। जानते हो कैसे, हमने दूसरे दिन की मॉर्निंग में सच पास क्रॉस कर लिया है, लोग तीसरे दिन मॉर्निंग में सच पास पहुंचते, पता है। अब सोचो जो भी दिल्ली से आते हैं ना, हाँ। उनका आप जितने भी वीडियो उठा लेना, जितने भी वीडियो देख लेना, वो दिल्ली से आते हैं, सेकंड जो डेज होते हैं ना, वो अपना नीचे क्या था, वो नीचे भागल सतरुंडी भैरागढ़ भी नहीं पहुंच पाते, भैरागढ़ भी नहीं पहुंच पाते, भैरागढ़ से नीचे रहते हैं वो, वहां पर क्या करते हैं सेकंड डेज ऊपर पहुंचते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है, पूरा ट्रिप देखना आप कितने दिन में होगा ये। हाँ भाई, उसमें तो पक्का ही दर्ज हो जाएगा। हाँ नाम यार, सबसे कम टाइम में हम किल्लाड़ किश्तवाड़ करने वाले बंदे बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है हमें भाई। वो करवाएगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, लेकिन भाई टफ है। इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, IMJishan577 के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, भाई का राइडर पंवार के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।